अस्सलाम वालेकुम विदय साहब, दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड चैनल। तमाम दोस्तों को स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे किसी भी पिक्चर का अगर आपने साइज छोटा करना हो, बहुत सारी पिक्चर्स हो, एक पिक्चर हो, उसका साइज छोटा करना है, किस तरह से करना है, उसकी क्वालिटी को भी बरकरार रखना है तो किस तरह इस साइज को छोटा करेंगे। इसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्त अप्लाई करते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड जो स्कैन करते हैं या तस्वीर को स्कैन करते हैं, उसका साइज 25 KB से कम कैसा होना चाहिए, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तफसील के साथ। मगर अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। जिन दोस्तों को बजरिया व्हाट्सएप लिंक मिलता है तो वीडियो मिलती है, उस वीडियो के नीचे पे एक लिंक मौजूद है। आप उस लिंक के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, उसको टच करेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो दोस्त डायरेक्टली हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताते हैं, ये आप देख रहे हैं, हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसका साइज आप देख रहे हैं। ये सिर्फ हम अभी बता रहे हैं इस पोस्ट पे कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्त अप्लाई करते हैं, उन्होंने 25 KB से फाइल का साइज कम कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, मिसाल के तौर पर हमने ये एक आपके सामने तस्वीर जो है हाईलाइट की हुई है, उसका साइज है जी 53.3 KB। तो इसका साइज 25 KB से ज्यादा है। अब हमने इसका साइज 25 KB से कम कैसे करना है, उसके लिए आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है, वहां पर जाकर आपने ओपन विद में जाना है। ओपन विद आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ खड़ा है, सर्कल हुआ खड़ा है, उसके आगे इस तरह से मेन्यू खुलेगा। वहां पर आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर अगर यहाँ पर मौजूद हो तो ठीक है, नहीं तो चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम में चले जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर एडिटर मैनेजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर ओपन हो जाएगा, यानी कि वो आपकी जो तस्वीर है वो इसमें खुल जाएगी। आपने क्या करना है, राइट साइड पे आप देखें लिखा हुआ है ओरिजिनल साइज और प्री डिफाइंड विड्थ एंड हाइट। आपने क्या करना है, यहां से इसको टिक करना है और वहां जाकर आपने क्या करना है, वेब समाल के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। जब आप वेब समाल के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो वो जो पिक्चर लार्जर साइज में थी वो थोड़े से छोटे साइज में चली जाएगी, और आप जब उसको सेव करेंगे तो दोस्तों देखें यही पिक्चर जो 53 KB की थी वो अब हो चुकी है 12.2 KB की, यानी 25 KB से लेस हो गई है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, और इसका इसके जो क्वालिटी है वो भी बरकरार रहेगी। तो ये वहां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अपलोडिंग में जो है एक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद हों तो आपने क्या करना है, उनमें से किसी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ओपन विद में जाना है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं चार कोने बने हुए हैं, तो वहां पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने जो भी पिक्चर उस फोल्डर में पड़ी होंगी आपने वो सारी पिक्चर्स सेलेक्ट कर लेनी है, जो जो आपने जिनका साइज कम करना है उनको सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, राइट साइड पे देखें सर्कल लगा हुआ है, कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने चले जाना है कंप्रेस पिक्चर के ऊपर। आप देख सकते हैं पिक्चर की क्वालिटी इस वक्त भी, और कंप्रेस पिक्चर पे जाओ तो देखें कॉम्प्रेक्स पिक्चर पे जाके आपने क्या करना है, ऊपर है डोंट कॉम्प्रेस, ये बाय डिफॉल्ट डोंट कंप्रेस पे ही टिक हुआ खड़ा होता है, आपने क्या करना है उसको डॉक्यूमेंट पे टिक कर देना है। तो दोस्तों आप देखें नीचे साइज दिखा रहे, एस्टिमेटेड टोटल साइज पहले ओरिजिनल था 1.16 MB, जब आपने उसको कंप्रेस किया है तो उसका साइज शो हो रहा है जी 619 KB, और आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी भी सेम है, बरकरार है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और मजीद मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।